जब धनुष टूट गया तो मिथिलावासी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि बर सांवरो जानकी जोगू। मिथिलावासी ये पहले ही सोच चुके थे कि ये सांवला जो राजकुमार है वो जानकी जी के वरण योग है। हमारी जानकी जी को बर के रूप में मिल जाए ये सांवला राजकुमार। क्यों भैया, सब गोरे को पसंद करते हैं। अगर आप सब बर खोजने जाते हो तो सब कुछ देखते हो, लेकिन फिर घर में लौट के आते हो तो घर के सदस्य कहते हैं, क्यों, कैसा, क्या है, कह और तो सब ठीक था लेकिन कलर दबा हुआ है। है? एक बात बताओ, भगवान राम उन जैसा सुंदर कोई संसार में है क्या? लेकिन कलर कैसा है उनका, जल्दी बोलो, रंग कैसा है, सांवला ही है कि नहीं? लेकिन उन जैसा सुंदर है कोई संसार में? फिर पता नहीं तुम्हारी खोपड़ी क्यों खराब होती है, ये कलर थोड़ा दबा हुआ है, है? क्या सोचते हो? मिथिला के लोगों ने सबसे ज्यादा आकर्षण यदि दिखाया है तो प्रभु राम के सौंदर्य पर दिखाया, जबकि लक्ष्मण जी साथ में हैं। बोलो भाई, हैं लक्ष्मण जी साथ में कि नहीं? और लक्ष्मण जी एकदम गौर वर्ण है, एकदम गौर वर्ण है। लेकिन जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सकल सोवस नर नारी, बर सांवरो जानकी जोगू। ये सांवला वाला बर। अच्छा, किशोरी जी गौर वर्ण की हैं कि नहीं? तो जब गौर वर्ण की किशोरी जी हैं, किसी की बेटी गौर वर्ण की होती है तो बाप यही सोचता है कि गौर वर्ण का लड़का मिलना चाहिए, है? गोरा होना चाहिए। लेकिन एक भी मिथिला के व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये गोरा वाला भी थोड़ा देखा तो जाए, कम से कम इसको, इसका कलर कितना बढ़िया है, कितना दिव्य कलर है, कितना सुंदर गौर वर्ण वाला है, अरे इधर भी तो देख लो जो पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, युवती भवन झरोखन लागी निरीखहिं राम रूप अनुरागी, निरीखहिं राम रूप अनुरागी। मिथिला की जितनी युवतियां हैं, बोलो, राम जी भी हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं, लेकिन मिथिला की युवतियां जितनी भी हैं वो सब राम जी को देख रही हैं। कलर कैसा है, जल्दी बोलो, श्याम कलर है, नहीं श्याम वर्ण है। अच्छा, सकल नर नारी, केवल नारियां ही नहीं नर भी यहां आकर्षित हैं राम जी के ऊपर। क्यों प्यारे, भगवान राम जब चल रहे थे तो मिथिला के लोग भगवान राम का चरित्र देख रहे थे, आचरण देख रहे थे, क्योंकि चरित्रवान जब चलता है ना तो ढिंढोरा नहीं पीटता है कि हमारे जैसा करैक्टर है किसी का, हमारे जैसा चरित्र है किसी का, नहीं नहीं, उसकी चाल बता देती है कि क्या चरित्र है। बोलो भाई, कहते नहीं है चाल चलन बहुत अच्छा है, हैं? चाल चलन बहुत अच्छा है, चाल बता देती है कि चरित्र कैसा है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि यदि हमारा चरित्र ठीक हो
तो हमारे रंग रूप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और ना देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को रंग सुंदर नहीं बनाता है, व्यक्ति को चरित्र सुंदर बनाता है। इसलिए चरित्र अच्छा होना चाहिए। राम जैसा चरित्र संसार में किसी का नहीं है। प्यारे श्री राम का जो चरित्र है, आज ईमानदारी से बताओ, एक ग्रंथ बन गया राम के चरित्र पर, रामचरित्र मानस, बोलो ग्रंथ बन गया कि नहीं? और सबसे ज्यादा जनप्रिय, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जनप्रिय ग्रंथ हुआ है रामचरितमानस। किसान जब खेत में हल चलाता है तो चौपाइयां गुनगुनाता है, बहन बेटियां रसोई में भोजन बनाती हैं तो मानस की चौपाइयां गुनगुनाती हैं, बोलो गुनगुनाती हैं कि नहीं? बच्चे स्कूल जाते हैं, रामायण की चौपाइयां गुनगुनाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति समय पास करता है तो रामायण की चौपाइयां गुनगुनाता रहता है, उसका मन लग जाता है। ये रामचरितमानस की अर्धालियां, बोलो एक एक अर्धाली में चरित्र परिव्याप्त है कि नहीं? इसलिए राम का ऐसा चरित्र है कि ग्रंथ बन गया, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस हो गया। रामचरितमानस, देखो राम के साथ मानस भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ के नाम में रामचरितमानस, तो मानस जितने आप सब हैं मानस हैं, मानस नाम हृदय का पर्याय है, आप सब जितने हैं क्या हैं? मानस हैं, हैं कि नहीं मानस? इसका मतलब है इस ग्रंथ में राम से मानस जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं? लेकिन बीच में ध्यान देना, इसमें चरित्र भी है। बीच में क्या है? चरित्र शब्द है, चरित्र, चरित्र से ही चरित्र बना है, और जो चरित्रवान होता है वो चरित्र मानी लीला, उसी की लीला होती है, बोलो होती कि नहीं होती है? अच्छा एक बात बताओ भाई, रावण का रोल जरूर आ जाता है लेकिन नाम तो रामई लीला है। कोई कहता है आज हमारे नगर में रावण लीला होने जा रही है, आप सब आमंत्रित हैं, क्यों भाई? हमारे नगर में राम लीला अमुक अमुक तारीख में होने जा रही है। राम लीला मानी राम का चरित्र का मंचन होगा, होगा कि नहीं होगा? उसमें रावण खरदूषण सब आ जाते हैं, फिर बाणासुर आ जाते हैं, रावण खरदूषण बाली सब आ जाते हैं, लेकिन मंचन होता है राम लीला का, राम के चरित्र का। तो ये ग्रंथ बन गया राम का, ऐसा आदर्श है, ऐसा चरित्र है कि ग्रंथ बन गया। और ऐसा ग्रंथ बना कि छह वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसमें सभी शास्त्रों का रस आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? गोस्वामी जी ने लिखा बंद हूं चारों वेद, बोलो चारों वेद, ये रामायण में चारों वेद आ गए। बंद हूं चारों वेद भव बारिधि बोहित सरिस, इसमें चारों वेदों का स्वरूप विद्यमान है, इसलिए वेद नहीं पढ़ पा रहे हो तो रामचरितमानस को पढ़ लेना, वेदों की कृपा अपने आप हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, वेदों की कृपा अपने आप हो जाएगी। रामचरितमानस को पढ़ लो, कितना सरल है। नदी गांव गोविंद नगर में तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है प्यारे जिस दिन रामायण की ध्वनि सुनाई न देती हो, घर घर में रामायण होती है। शायद ही है कोई दिन एकाद ऐसा व्यतीत हो जाए कि जिस दिन रामायण की चौपाई सुनाई न देती हो, प्रतिदिन किसी घर में, एक घर में, दूसरे में, तीसरे में, घर घर में रामायण का पाठ होता है। यह है दिव्य स्वरूप।
इस नगर का, और चार चांद लगते जा रहे हैं। आध्यात्म का स्वरूप विशाल होता जा रहा है, बृहत स्वरूप होता जा रहा है इस नगर में। आज मानस राम से जुड़ने जा रहा है, लेकिन प्यारे तुलसीदास जी महाराज ने राम और मानस के बीच में चरित्र को स्थापित कर दिया। इससे संकेत तुम लोगों को मिला, क्या मिला कि तुम्हारे मन में वेदना है कि हम राम को प्राप्त करें, तुम्हारे मन में ये चाह है कि हम राम जी को प्राप्त करें, राम जी के चरणों तक पहुंचे, राम जी की शरण में पहुंचे, ये तुम सबके मन में चाह है। लेकिन पहुंच पा रहे हो क्या? कहे महाराज पहुंच ही तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन रामायण के प्रथम पृष्ठ पर ही देखिए आप, संकेत है राम चरित्र मानस। मानस राम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बीच में चरित्र है। इसका अर्थ यही है, ऐ संसार के मानवों, श्री राम तक पहुंचने के लिए तुम्हें दूरी समझ में आ रही है, लेकिन मनुष्य राम तक पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि दूरी बहुत है। केवल इतनी ही दूरी है प्यारे, जैसे रामचरित मानस में बीच में चरित्र मध्यस्थ है। इसका अर्थ यही है, ये ग्रंथ आपको बता रहा है कि इस ग्रंथ को पढ़ते 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 ऐ संसार के मानवो, जिस दिन तुम चरित्र को सुधार लोगे उसी दिन तुम्हें राम मिल जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं, उसी दिन तुम्हें राम मिल जाएंगे। इसलिए चरित्र को सुधारने की जरूरत है।